पहला है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ए और बी टू सेट्स ए एंड बी, तो यूनियन क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी प्रेजेंट इन द टू सेट्स आर कॉल्ड यूनियन सेट्स। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा, और इसको हम जो है कॉमुटेटिव ला बोलते हैं, ये हमारा है कॉमुटेटिव ला, टेटिव ला। ठीक, दूसरा है ए यूनियन बी यूनियन सी सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ थ्री सेट्स के बारे में, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव ला बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। ठीक है, और तीसरा जो है हमारा ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए, चौथा है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, और पांचवा है फाइव सेट्स है, और ये हमारा है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। एलिमेंट ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमारे पांच प्रॉपर्टीज हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन यू सॉरी ए कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, सिंस फाइव इज द एलिमेंट ऑफ ऑल सेट्स सो फाइव इज यूनिक आइडेंटिटी, अकेला ऐसा है फाइव जो सबका सेट हो सबसेट होता है। ए यूनियन ए मींस ए, ए को ए में मिलाएंगे तो ए ही आएगा, इसलिए वो आइडेंपोर्टेंट लॉ है। और यूनिवर्सल यूनियन ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल और ए को मिलाते हैं, अगर हम नेचुरल नंबर को लेते हैं और साथ में किसी इवन या ओड नंबर को लेते हैं तो उसका जो यूनियन होगा सेम वही नेचुरल नंबर होगा। अब इंटरसेक्शन की बात होती है तो इसकी प्रॉपर्टी, अच्छा इससे पहले वाले वीडियो में हमने यूनियन का बताया था, तो यूनियन का एक लॉ हमने गलत बता दिया था, उसके लिए सॉरी, इसको दोबारा पे आप उसमें चेंज करके जहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा वहाँ एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। पहला है हमारा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीसरा है फाइव इंटरसेक्शन
is equal to 5. Intersections means common elements present in the all sets. U intersection A is equal to A. तीसरा है A intersection A is equal to A. और लास्ट है A intersection B union C. यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव ग्राफ इज इक्वल टू A intersection B union A intersection C. ठीक है, यहाँ पर A intersection B union A intersection C और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ग्राफ है. ठीक है, ये हमारा कम्यूटेटिव ग्राफ है. एसोसिएटिव तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं सब प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन. इससे पहले हमने यूनियन बताया था. तो यूनियन में यहाँ पर बच्चों हमने गलती से डिस्ट्रीब्यूटिव लिख दिया था, हमने ध्यान दिया उसके लिए सॉरी. आप इसको जो है यहाँ पर चेंज करके एसोसिएटिव ला कर देंगे, वो भी यूनियन में. इसमें तो सही है. तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन से सॉरी ए, और ये होगा हमारा कम्यूटेटिव ला. If A intersection B union intersection C is equal to A intersection B intersection C, ये आपका एसोसिएटिव ब्लॉक के अंदर में आएगा. Phi intersection A is equal to phi, और ये आपका यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल इंटरसेक्शन A is equal to A, law of phi and universal. A intersection A is equal to A, idempotent law. A intersection B union C is equal to A intersection B. अब यूनियन और यूनिवर्सल को ध्यान रखना कि ये खाली U है और U में इसे आगे ये लगा देंगे तो यूनिवर्सल का सिंबल थोड़ा डिफर होना चाहिए. जो एलिमेंट A में है वो B में नहीं है, और B और A का जो डिफरेंस आएगा वही हमारा सेट्स होगा. एग्जांपल A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10. ठीक है, एंड A B is equal to 1, 3, 5, 7, 9. तो A माइनस B is equal to, अब यहाँ पर 1 छोड़ दो, 2 यहाँ नहीं है, तो जो नहीं है वही अवेलेबल होगा. 6, 8, 2, 4, 6, 8 एंड 10. ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 ये है, 5 ये 10, इनको मिला करके ये हो गया. तो इसका डिफरेंस एंड b माइनस a का डिफरेंस अगर निकालते हैं तो जो एलिमेंट इसमें नहीं है तो a माइनस b इसमें से इसको निकाल दो, जो बचता है इसका हो जाएगा. और इसमें से इसको निकालोगे तो कोई नहीं आएगा क्योंकि इससे इसका डिफरेंस नहीं निकलेगा. इसका एलिमेंट ज़्यादा है तो ए माइनस बी ये आपका डिफरेंस आएगा. अगर हम इसको वेन डायग्राम से दिखाते हैं
अब यहां पर जो आएगा ये हिस्सा इंटरसेक्शन हो गया, ये यूनियन हो गया। अब हमारे पास ये देखिए कि ये जो नंबर्स है एक है, ये सारे के सारे पूरे में है, यहाँ से ये पूरा एलिमेंट है। और बी का केवल क्या है कि बी का एलिमेंट 1, 3, 5, 6, 7, 9 है, ठीक है। बी का एलिमेंट 1, 3, 9 है, 1, 3, 5, 7, 9 ये आपके एलिमेंट हो गए। और 2, 4, 6, 8 और ये हो गया 10। तो ए माइनस बी आपका ये बन जाएगा, दिस इज ये हिस्सा ए माइनस बी, और ये आपका पूरा यूनियन अगर बनाते हैं तो ये ए आपका सॉरी गलत हो रहा, यहाँ पर बी क्या है 1, 3, 5, 7, 9 2, 4, 6, 8, 10 ये आपका डिफरेंस आ गया, ये इतना है। और ए यूनियन बी का मतलब ये सारा मिला करके इस तरह से ये सेट बन जाएगा। तो ये हिस्सा आपका ये आपका हिस्सा आएगा जो ए माइनस बी आएगा। अब ए हमारा पूरा आना चाहिए तो बी को हम यहाँ पर ना सो करके सॉरी ये आएगा यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 चलिए देखिए। तो ये देखिए आप यहाँ पर ये पूरा एलिमेंट ए का है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है बी में ये हिस्सा आ रहा है 1, 3, 5, 7, 9 और ए माइनस बी में केवल ये हिस्सा आ रहा है। समझ में आ गया होगा आपको अब अच्छी तरह से कि यहाँ पर जो ये सेट है ये इतना हिस्सा ये आपका ए माइनस बी है, ये हिस्सा बी माइनस ए है। अब बी माइनस ए का मतलब 5 है क्योंकि बी का एलिमेंट इनका जो डिफरेंस आएगा उसमें कुछ नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जो बी में है ए में नहीं है, जो ए में है वो बी में नहीं है, वो तो ये हो गया। लेकिन जो बी में है ए में नहीं है उसमें कोई नहीं, इसलिए ये आपको 5 आ रहा है, नल सेट कह सकते हैं। और ये ए माइनस बी का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो इसको आप